गोरखपुर, संत कबीर नगर और कुशीनगर के लोग जल्द ही सीएनजी गाड़ियों से फराटा भर सकेंगे। उनको रसोई गैस के लिए किसी एजेंसी से गैस के आने का इंतजार नहीं करना होगा। तीनों जिलों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत घर घर रसोई गैस पहुंचाने और ज़िले में सीएनजी की सुविधा के लिए टारेंट कंपनी को जिम्मेदारी दे दी गई है। टारेंट कंपनी को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिला है। इसी के तहत बुधवार को टारेंट कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स के साथ एक निजी होटल में मीटिंग कर कंपनी के द्वारा कैसे सीएनजी उपलब्ध कराया जाएगा उसी को लेकर चर्चा किया गया। इस मौके पर कंपनी के रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा सहित टारेंट कंपनी के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टारेंट कंपनी के कार्यकारी निदेशक नरेंद्र कुमार, आरटीओ परिवर्तन बीडी मिश्रा, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, कार्यविधि है वो हम यहाँ करवाना चाहेंगे चीफ गेस्ट द्वारा ही, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आदित्य सर, मिश्रा सर है। मैं नरेंद्र कुमार हूँ और मेरा डिजाइनर एक्चुअली डायरेक्टर है। मैं पूरा यूपी की ऑपरेशंस को देखता हूँ और मैं लखनऊ में रहता हूँ। जो हमारी कंपनी है टॉरेंट गैस, यहाँ पे इनको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिला है। इसमें हमको पूरा यूपी के अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए मिला है, जिसमें यहाँ का जो ग्रुप है, यहाँ का जो जीए है, उसमें आपका गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर है, उसके अलावा अम्बेडकर नगर बस्ती है, उसके अलावा हमारा ये आजमगढ़, मऊ और बलिया है, उसके अलावा हमारा कानपुर, रूरल, इटावा और यह है, मुरादाबाद है, बाराबंकी, गोंडा है। इस तरह से हम लोग 14 डिस्ट्रिक्ट में हमको काम करना है। तो हम लोगों ने जो शुरुआत की है यहाँ से, गोरखपुर से काफ़ी पहले की है। 2 सीएनजी स्टेशन हमारे ऑलरेडी यहाँ पे चालू हैं और अगले 2 महीने के अंदर हम लोग 3-4 सीएनजी स्टेशन और चालू हो गया है, हमें काम शुरू हो गया, 2-3 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी हम इस साल में 1 और 1.5 साल के अंदर में हम यहाँ पे 15 सीएनजी स्टेशन चालू करने का हमारा प्रोग्राम है। अभी जो गैस है वो हम लोग जो है बनारस से कासगढ़ के थ्रू लेकर के आते हैं, लेकिन अभी क्योंकि गैल की गैस पाइपलाइन कंप्लीट हो गई है, उसके पास में हम जो है खानीपुर जो है वहाँ पे एक एसवीटी स्टेशन है, वहाँ पे गेल हमको गैस हैंडओवर करेगा, तो वहाँ पे हम अपना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करने जा रहे हैं और वहीं पर हम सीएनजी स्टेशन भी एक और अपना डायरेक्टली जो टोरेंट का हो वो बनाएगा। अदरवाइज़ ये काम थोड़ा फास्ट करने के लिए हमारी जो सहयोगी कंपनियाँ हैं IOC, BPCL, HPCL, उनके एग्जिस्टिंग पेट्रोल पम्प पर ही हम सीएनजी काम शुरू कर रहे हैं। इनका सीएनजी का गोरखपुर में आगमन बहुत अच्छा है, इससे गोरखपुर की जनता को, सभी को फायदा होगा। जो कार वाले हैं, जो पेट्रोल कार हैं, उनको कन्वर्ट कराना काफ़ी आसान है, उनको भी फायदा होगा, और ये जितने ऑटो रिक्शा हैं इनको भी लाभ होगा। इसमें इनको परिवहन विभाग पूरा सहयोग करेगा और हम चाहेंगे कि ये जल्दी जल्दी अपना करा लें, अपना कन्वर्जन करा लें। साथ ही हम ये भी अनुरोध करेंगे कि सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। RTO को लाभ हमारा यही कि हमारा तो टोटल लाभ देखा जाए कि जनता को क्या फ़ायदा होगा, तो इससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी। इसके अलावा जो है ये सभी जनता के लिए सस्ता होगा, तो सबको फायदा होगा, जो भी गाड़ी वाले हैं सभी को फायदा होगा। इसमें भी जल्दी इनके 10 CNG पंप जल्दी लगने वाले हैं, तीसरा भी सहजनवा में खुल जाएगा। इसी 3-4 महीने के अंदर गोरखपुर जनपद में 10 CNG पंप जल्दी खुल जाएगा। देखिए, CNG जो टोरेंट गैस द्वारा ये कैंप आयोजित किया गया है ये बहुत अच्छा है,
और जो हमारे सभी वाहन जो हैं, ट्रक के विषय में बताया उन्होंने, चार पहिया हल्के वाहनों के भी विषय में बताया, सभी के विषय में बताया कि इनमें जो है कुछ में ऑप्शंस हैं कि सीएनजी में भी गाड़ी चला सकते हैं। तो ये स्वागत योग्य है और मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपनी गाड़ियों जिनमें ना हो वो कन्वर्ट करा लें, जो हैं भविष्य में लोग सीएनजी वाली गाड़ियाँ ही खरीदें, जिससे पर्यावरण के प्रदूषण में कमी हो और जो हानिकारक गैसेज हैं वो कम से कम हमारे पर्यावरण में जाएं, जिससे प्रदूषण ना हो और कॉस्ट इफेक्टिव है। 40% कॉस्ट कम आ रही है, लोगों के 40% पैसा बचेगा तो और किसी कार्य में लगा सकते हैं और मैकेनिकल डैमेजेस भी कम है तो वहाँ पे भी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगी। इस प्रकार से हर दृष्टि से जो है सीएनजी लाभदायक है। हमारे इधर 11,000 ऑटो चल रहे हैं सिटी में, जिसमें 7,000 हमारे मतलब इस प्रकार से कि उनको कन्वर्जन करा लेना चाहिए। तो हम लोग, हमारे साथ में सभी लोग हैं, हमारे ऑटो चालक के पदाधिकारी गण भी हैं, तो मेरा यही अनुरोध है कि इनको बैंक से लोन मिलना चाहिए कन्वर्जन के। जब हम इतना पर्यावरण के देश में जागरूक हैं तो इस दिशा में भी हमको प्रयास करना चाहिए।